हाय गाइस, सो आज है थर्सडे और आज मैं काफ़ी दिनों बाद मैं जा रही हूँ बाहर घूमने नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा काम के लिए जा रहे हैं। वियान को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं चेकअप करवाने के लिए और हमारी बहुत सारी शॉपिंग करनी है क्योंकि राइस सेरेमनी इज़ कमिंग, सो दैट्स वाई हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है। और मम्मी को लेके जा रही हूँ मैं साथ में, कुछ भी आ जाऊँगी तो वहाँ से शिरकत भी हम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। तो यही बात है और मैं अभी तैयार हो गई हूँ, कुछ नहीं किया, जस्ट एक न्यू लिपस्टिक लगाई है मैंने और नथिंग एल्स, और एक कार्डिगन पहनी है और ये वाला कुर्ती मैंने पहनी है बस। तो यही है आज का आउटफिट और वियान को भी मैंने तैयार कर दिया है और वियान को बहुत ज़्यादा निन्नी आई है और वियान को जब निन्नी आता है उसको बस मैं चाहिए, मतलब मम्मी चाहिए होता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। पर आई नो जब भी हम लोग कार में बैठेंगे वियान तभी सो जाएगा। तो ड्राइवर भी आ चुका है, बस अभी हम लोग रवाना हो रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बातें कर रही हूँ। ओके, मैं रास्ते में आप लोग से मिलती हूँ। ओके, अच्छा बच्चा रोता है क्या? एज पापा, एज 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 डॉली 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 एज सोना चलो। तो गाइस, पहले हम लोग गए थे ज्वेलरी शॉप में, सो वहाँ का काम जो है वो हो गया है। अभी हम लोग आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, सो अभी हम लोग आए हैं डॉक्टर के चैम्बर पे, तो अभी डॉक्टर भी आ चुका है। सो पहले हम लोग वियान को चेकअप करवाते हैं, देन हम बाकी का आगे का सारा जो शॉपिंग है वो धीरे धीरे करेंगे। एक्चुअली जब से मैं आई हूँ ना यहाँ पे, आप लोग से बातें करने का मौका ही नहीं मिला, और वियान के लिए एक्चुअली हमें कुछ ख़रीदना था, सो वो हमने ले ली है। और मैंने सोचा था कि मैं मेरे लिए भी कुछ लेने वाली हूँ, और तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं आया है। सो और शिकायत भी आ चुका है, मैं दिखाती हूँ। देखिए घर की हालत। सो गाइस, भी हमको डॉक्टर्स को दिखाने के बाद हम लोग आ गए हैं घर, और घर का हाल थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि यू नो शिकायत ही रहता है यहाँ पे। और अभी वियान को मैंने फीड दिया है और वियान अभी यहाँ पे सो रहा है। हाँ, तो यही है। और बस अभी ना मैं एक लगेज बैग साथ में लेके आई हूँ जो मुझे अभी थोड़ी सी पैक करनी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक दोबारा मम्मी ने लिया है ध्यान के लिए लगेज बैग। मैं एक लगेज बैग लेके आई हूँ, मुझे एक्चुअली कुछ कपड़े पैक करनी है क्योंकि मुझे कुछ ही दिनों में जाना है ससुराल, वहाँ पे राइस सेरेमनी है और कुछ है, तो वहाँ पे मुझे बहुत दिन तक रहनी है। सो इसलिए मुझे कुछ और सामान भी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगेज बैग लेके आई हूँ। सब कुछ यहाँ से पैक करके मैं लेके जाऊँगी, तो याद कर रही हूँ मैं वही सब कुछ, तो मैं कर लेती हूँ। और फिर आगे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है हमें।
सो यहाँ पे व्यान जो है व्यान सो रहा है, तो जब तक हम लोग संभाल गए तब तक व्यान सो जाए। और मैंने यहाँ पे खुद का थोड़ा सा साड़ी वगैरह, थोड़ा सा स्वेटर वगैरह और ब्लाउज पेटीकोट ये सब निकाला है। तो मैं ये दो स्वेटर, एक शॉल और दो साड़ी, और भी साड़ी है एक्चुअली अभी नहीं है अलमारी पे, शायद वो बेड के अंदर है जो मुझे अभी देखना है, और कुछ ब्लाउजेज़ वगैरह मैं लेके जा रही हूँ। एक्चुअली जब मुझे पहनना होता है ना तब मुझे पता चलता है कि इसके साथ मैचिंग ये नहीं है, इसके साथ मैचिंग वो नहीं है, सो ऐसा ही होता है। काम जो है वो हो गया है अभी, मतलब पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो बैग है, हमने माँ बेटा तुम्हें नीते पार बना माँ खूब भाड़ी छेड़े दो छेड़े दो छेड़े दो तुम्हें पार भी तुम्हें नीते था। सो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, चलो शेखर शायद बियान को लेके कहीं और जाएगा और मैं और मम्मी थोड़ा सा शॉपिंग करूँगी, क्योंकि व्यान अगर जग गया ना तो थोड़ा सा मतलब रो सकता है क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा ना। सो बाय बाय हमारा घर। सो गाइस अभी ना एक चीज़ किया मैंने, वो कि मैं जो कैमरा जो है वो मैं गाड़ी में रख के भूल के आ गई यहाँ पे, और फिर मुझे याद आया कैमरा कहाँ है, क्योंकि कैमरा डायपर बैग में तो नहीं था। मैं डायपर बैग में कैरी करती हूँ जब व्यान को मैं लेके चलती हूँ, तो फिर से शेखर को मैंने कहा क्योंकि कार पार्किंग में था। फिर से शेखर गए वहाँ पे, देखा कि कार पे मैं भूल के आ गई थी। सो ऐसे ही होता है मेरे साथ, मैं कब क्या चीज़ कहाँ पे रखती हूँ, कब क्या चीज़ मैं छोड़ के आ जाती हूँ, आजकल ऐसे होता है, कुछ भी याद नहीं रहता है मेरे, मैं कुछ भी याद नहीं रख पाती हूँ। और अब भी ना हम लोग आए हैं एक स्टॉल में, एक्चुअली भूख लगी है बहुत ही जल्दबाजी में, थोड़ा सा ही खाना हमने खाया था लंच पे, तो इसलिए अभी यहाँ पे खाएंगे एग रोल जो बन रहा है अभी, और खाने के बाद ही जाएंगे शॉपिंग करने। तो शेखर व्यान को ले रखेगा और मैं और मम्मी हम दोनों मिलकर करेंगे शॉपिंग। सो गाइस शॉपिंग जो है वो अभी भी चालू है, अभी आप देख सकते हो अंधेरा हो गया है बिल्कुल, और कुछ कुछ हमें मिल गई है, और ध्यान को थोड़ा सा नींद आई है, तो अभी हम लोग बस जाएंगे तो गाड़ी में मैं इसको सुलाऊंगी, वरना ये तो ऐसे नहीं सोता है, मेरे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं सोता है। तो ये है, और बस अभी ये थोड़ा सा किड्स शोरूम पे आए थे, तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई है बेबी के लिए, सो वो सब हो गया है, बहुत कुछ हो गया है हमारी, और लेकिन और भी बहुत कुछ अभी भी बाकी है। सो हो गया है हमारी शॉपिंग, और अभी जा रहे हैं अलीपुर द्वार, और टिया भी आ गई है हमें ज्वाइन करते हुए। सो अभी हम सब लोग जा रहे हैं वापस अलीपुर द्वार, और वहाँ पे भी थोड़ा सा काम है, काम करके फिर जाएंगे कहीं। सो गाइस हम लोग अभी पहुंचे हैं घर, और अभी ना काफ़ी रात हो गई है आते आते, और देखिए बहुत 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 दिनों बाद मैंने अपना आईब्रोज जो है वो बनवाया है। लास्ट मैंने बनवाया था दुर्गा पूजा में,
कैन यू इमेजिन, तब से मैं ऐसे ही घूम रही हूँ और आज आते वक्त मैंने आईब्रो किया है. और आज का दिन जो है ना वो एकदम सक्सेसफुल रहा है हमारे लिए. जो भी मतलब प्लानिंग करके गई थी, मैं लिस्ट बना के गई थी कि आज हमें ये चीज़ करनी है, तो ऑलमोस्ट 90% जो काम है वो डन है. बस 10% रह गया है वो टाइम की वजह से, क्योंकि हम लोग लेट भी हो गए हैं. तो शॉपिंग जो है, शॉपिंग भी बहुत सारा हमने कर ली है. बस मुझे ना ब्लाउज़ वगैरह लेना था जो कि नहीं हो पाया है, वो मैं किसी दूसरे दिन मैं जाऊंगी. एक्चुअली क्या होता है कि शेखत आया है हमारे साथ. एक्चुअली क्या होता है कि बियान को रख के ना मैं जाने का मुझ में हिम्मत ही नहीं है, और किसी को भी हिम्मत नहीं है कि बियान को रखे, क्योंकि बियान मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रहता है. सो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ शॉपिंग. सो ये सारा कुछ जो है हमने शॉपिंग किया है. तो ये सब कुछ हमने शॉपिंग किया है जो मैं बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को. यहाँ पे देखिए बियान जो है, बियान बहुत ज़्यादा खेलने के मूड में है. तो गाइस आज हमने खूब सारा शॉपिंग किया है. एक्चुअली शॉपिंग वियान के राइस सेरेमनी के रिलेटेड है कि हम लोग क्या पहनने वाले हैं सब कुछ वियान के लिए, हमारे लिए. तो वो सब कुछ हमने लिया है. मैंने एक साड़ी भी खरीदी है अपने लिए. सो आई एम सॉर्टेड. शेखत का भी हो गया है खरीदना, और वियान का भी सब कुछ हो गया है. एंड आज मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ कि जैसा जैसा सोचा था वैसा हो गया है. पसंदीदा चीज़ें मुझे मिली है. तो आज जो कुछ भी हमने खरीदा है सब कुछ अगर इस ब्लॉग में ही मैंने शेयर कर दिया ना, तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा. कपड़े जो हमने लिया है वो मैं अभी इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखा रही हूँ. सो मैं कुछ और दिखा रही हूँ आप लोगों को जो हमने वियान के लिए लिया है. सो हमने ये लिया है चांदी का, ये कमरबंद बोलता है ना जो कमर में पहना जाता है. सो ये मैंने वियान के लिए लिया है. सो वियान को हम जो गोल्ड का चीज़ें जो दे रहे हैं वो ऑलरेडी हो गया है, बस चांदी का चीज़ें जो है वो रह गया था. सो इसीलिए इसका ही शॉपिंग हम लोग ने आज किया है. सो ये ऐसा डिज़ाइन में है. ऑल्दो ऐसा कमरबंद मैंने पहले कभी नहीं देखा है, पर मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसा ना बहुत ही पहले होता था. मीन्स एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में हमने लिया है ये, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. और मुझे ना पायल लेना था वियान के लिए, वो जो बैंगल स्टाइल में जो पायल आता है ना वो लेना था वियान के लिए, पर वियान के साइज़ का हमें नहीं मिला. जो भी मिला था ना वो एकदम छोटू छोटू सा, वो वियान के पैर में नहीं आ रहा था. सो इसलिए हम वो आज ला नहीं पाए. हमें उसको बनवाने देना है वियान के साइज़ के हिसाब से. सो वो हम कल या परसों करने वाले हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी. सो उसका काम जो है वो पेंडिंग रह गया है. और मैं कुछ और चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो वियान की ही है, मैं घर से लेके आई हूँ. सो पहले ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ. सो ये है वियान के चम्मच और वियान का बोल. एक्चुअली ये दोनों चांदी का है. तो ये ना मेरे मम्मी ने वियान के मुंह दिखाई पे मेरे मम्मी ने दिया था चांदी का चम्मच एंड चांदी के बोल. मेरे मम्मी ने कहा था कि जब वो बड़ा होगा तब ये चांदी के चम्मच एंड ऐसे बोल से वो वियान खाएगा. सो ये मेरे मम्मी ने दिया है एंड आई लाइक इट सो मच. एंड इसमें यहाँ पे डिज़ाइन भी बना हुआ है. सो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब कभी भी शेयर नहीं किया था, पर क्योंकि अभी राइस सेरेमनी में हम लोग जा रहे हैं जो इसी मंथ पे है, लास्ट वीक में सो जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस सबको लेके चलूं.
ताकि वहाँ पे यूज़ हो जाए। और दो गोल्ड का रिंग है वियानका 6th day पे, जिसका ब्लॉग भी है मेरे चैनल पे, मैंने ब्लॉग किया था। सो उस डे पे छोटा सा एक एकदम घरेलू तरीके से फंक्शन हुआ था घर में। सो तब हमारे घर से और मेरे ससुराल वालों के यहाँ से वियान को गोल्ड रिंग मिला है। सो ये गोल्ड रिंग मिला है मेरे इन-लॉज के साइड से, और ये गोल्ड रिंग मिला है मेरे यहाँ से। सो ये दोनों वियान का है, जो वियान ने कभी भी नहीं पहना है। मैं डिज़ाइन दिखा देती हूँ। फोकस, यहाँ पे फोकस कीजिए प्लीज़। हाँ, सो ये एंड ये ये दोनों गोल्ड रिंग जो है वो भी आने कभी नहीं पहना है। सो मैंने सोचा है कि इसको मैं साथ में लेके चलूं, ताकि वो राइस सेरेमनी के दिन वो ये सब पहन पाए। सारी ज्वेलरी के साथ मैं उसको सजाना चाहती हूँ। सो इसलिए मैं ये सब लेके आई हूँ घर से, ये सब मैं लेके जाऊंगी और बियान को पहनाऊंगी। सो इसी वजह से, तो ये सब चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं शेयर किया था आप लोगों से। सो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में ही शेयर कर देते हैं, और बाकी सारा जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और हाँ, आज ना एक सब्सक्राइबर मिली है मुझे। जब हम लोग गए थे ना वो फर्स्ट फूड कॉर्नर पे, वो हम लोग क्या खाए थे, हाँ एग रोल खाने गए थे, तब वहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिली। शी वॉज सो स्वीट। नाम क्या था उनका, शायद उनका नाम अमृता था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके, आप बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। और वियान को अभी मेरी ज़रूरत है। आते ही वियान को मैंने फीड करवाया है, अभी उसे थोड़ा सा नींद आई है आई गेस, इसलिए वो थोड़ा सा रो रहा है। सो अभी मैं जाऊंगी वियान के पास, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों का हैप्पी न्यू ईयर विश करना भूल ही गई हूँ, बिकॉज ये इस साल का पहला ब्लॉग है जो मैं आज शूट कर रही हूँ। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पर मैंने, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप इतना लेट ब्लॉग क्यों डाल रहे हो, क्या हुआ। सो सब कुछ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शायद मैं शेयर करूँगी कि क्यों मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था बीच में, क्या हुआ था क्या नहीं। ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया था कम्युनिटी सेक्शन पर, बट स्टिल बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ था, तो वो सब कुछ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी शायद। एंड हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज मैंने आप लोगों को न्यू ईयर विश ही नहीं किया। ऑल दो मैंने कम्युनिटी टैब पे एंड मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने विश कर दिया था, पर मेरे ब्लॉग में फेस टू फेस मैंने विश नहीं किया। विश यू आर वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आप सबका ये न्यू ईयर जो है वो बहुत अच्छा जाए, ये न्यू ईयर आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और तब तक लिए आप सब लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं आप सबसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।